इस कहानी में एक टीचर अपने ही स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और उसे हर टाइम देने के लिए बेकरार रहती है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक लेडी रनिंग कर रही होती है जिसका नाम डायना होता है। वो एक टीचर होती है और टेक्सास के एक स्कूल में पढ़ाती है। कुछ देर बाद वो अपनी क्लास में पढ़ा रही होती है और वही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एरिक होता है। रात को हम देखते हैं कि डायना अपनी फ्रेंड के साथ पब में होती है और उसे किसी का मैसेज आता है। वो फोन देखती है और वो मैसेज एरिक का होता है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि किसका मैसेज है तो डायना हंसने लगती है और उसे इग्नोर कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद डायना अपनी गाड़ी में अकेली होती है और एरिक उससे मिलने के लिए उसके गाड़ी में आता है और फिर वो दोनों गाड़ी में रोमांस करने लगते हैं। उसके बाद डायना एरिक को बताती है कि जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं अपनी मॉम से झूठ बोलकर इसी तरह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। वो थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। डायना घर जाती है और वो देखती है रोमांस करते टाइम उसकी स्कर्ट खराब हो गई होती है। फिर अगले दिन वो क्लास में होती है और सबको थैंक्स गिविंग के लिए विश कर रही होती है। सब लोग चले जाते हैं और एरिक रुक जाता है। वो डायना के पास आकर उससे बात करने लगता है और उसे किस करता है। एरिक कहता है कि मुझे कॉल करना और वो वहाँ से चला जाता है। फिर डायना अपने कलीग के साथ होती है और वो कहते हैं कि स्कूल के बाद हम ड्रिंक्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन डायना कहती है कि मुझे कुछ काम है और मैं नहीं आ पाऊंगी। फिर रात को हम देखते हैं कि रोमांस करने के बाद डायना एरिक के साथ उसके घर पर लेटी होती है। फिर वो एरिक से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वो कहती है, मैं इतनी खुश बहुत टाइम के बाद हुई हूँ। अगले दिन डायना अपनी फ्रेंड सोफिया के साथ घर पर होती है और उसकी फ्रेंड सोफिया उससे बात कर रही होती है। इतने में एरिक का मैसेज आता है और वो डायना को अपनी फोटोज भेजने को कहता है। डायना बाथरूम में जाती है और अपना टॉप उतारकर एरिक के लिए फोटोज क्लिक करती है और उसे भेज देती है। उसके बाद डायना और सोफिया एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन डायना को वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपनी फ्रेंड की गाड़ी लेकर वापस चली जाती है। अगले दिन डायना सोफिया के साथ उसके घर जाती है और वहाँ वो लोग टीवी पर स्पोर्ट देख रहे होते हैं। डायना और सोफिया बोर हो रहे होते हैं और वो दूसरे कमरे में चले जाते हैं। सोफिया कहती है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा फोन यूज करती हो, तो डायना कहती है कि कुछ नहीं, बस फेसबुक चला रही थी। अगले दिन डायना स्कूल में होती है और उसकी कलीग उसे बताती है कि क्या तुम्हें पता है स्कूल की एक लड़की की टॉपलेस फोटो आजकल बहुत वायरल हो रही है, पता नहीं लोग इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं। डायना घबरा जाती है और वो एरिक के पास जाकर उसे कहती है कि मैंने जो तुम्हें फोटो भेजी थी उसे अभी डिलीट कर दो, और एरिक फोटोज को डिलीट कर देता है। शाम को एरिक और डायना एक साथ होते हैं और वो स्कूल के डांस फंक्शन के लिए बारे में बात कर रहे होते हैं। एरिक कहता है कि एक लड़की ने मुझे डांस के लिए पूछा, तो डायना कहती है क्या मुझे अब तुम्हें किसी और लड़की के साथ डांस करते हुए देखना होगा। दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन डायना घर पर होती है और एरिक उसको फोन करके कहता है कि आज रात को मिलते हैं। वो कहता है कि मेरा भाई कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, हम वहीं मिलेंगे। रात को वो दोनों एरिक के भाई के घर पर मिलते हैं और एरिक डायना से कहता है कि अपने कपड़े उतारो। वो अपने कपड़े उतारने लगती है और एरिक उसे देख रहा होता है। डायना अपने कपड़े उतारती है और एरिक की गोद में जाकर बैठ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों एक वीक के लिए ट्रॉन्स घूमने जाते हैं जहाँ एरिक के डैड की प्रॉपर्टी होती है। वो वहाँ पहुँचते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। अगली सुबह डायना वॉक करके वापस आती है और वो एरिक के साथ रोमांटिक होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इतने में हम देखते हैं कि एक गाड़ी वहाँ आ जाती है। एक आदमी बाहर से आवाज देता है और वो दोनों जल्दी से अपने कपड़े पहन लेते हैं और डायना अंदर वाले कमरे में छुप जाती है। एरिक बाहर जाता है और देखता है कि वो प्रॉपर्टी का केयर टेकर जेम्स होता है। जेम्स उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो, तुम्हारे डैड को पता है ना कि तुम यहाँ आए हो। एरिक कहता है डैड को सब पता है। फिर जेम्स वहाँ से चला जाता है। एरिक अंदर आ जाता है और डायना को बताता है कि केयर टेकर था। वो घबरा जाती है और एरिक से कहती है कि अगर उसने तुम्हारे डैड को बता दिया तो। एरिक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस अपने काम से काम रखता है। डायना कहती है कि अगर हमारे बारे में किसी को भी पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन एरिक कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। डायना सोचने लगती है और वो एरिक से कहती है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। शाम के टाइम डायना बाहर खड़ी होती है और एरिक उसके पास जाकर उसे किस करने लगता है। डायना अभी टेंशन में होती है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो एरिक को मना कर देती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन डायना क्लास में होती है और वो एरिक को इग्नोर करने लगती है। रात के टाइम डायना स्कूल की एक डांस पार्टी में जाती है और वहाँ एरिक को किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करता हुआ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो जेलस फील करती है और वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद वो एक अल्कोहल शॉप में जाती है और अपने लिए एक बोतल ले जाती है। घर जाकर वो ड्रिंक करती है और फेसबुक पर एरिक की फोटोज देखने लगती है। अगले दिन क्लास में वो एरिक से कहती है, क्या तुम मुझे क्लास के बाद मिल सकते हो, तो एरिक कहता है कि ठीक है। एरिक उससे मिलने के लिए मीटिंग रूम में जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ। डायना कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मैं क्या सोच रही थी, क्या तुम आज रात मुझसे मिलने आओगे, तो एरिक कहता है ठीक है हम रात को मिलते हैं। रात को एरिक उसके घर जाता है और सोफिया घर पर होती है। वो दोनों अंदर कमरे में जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन डायना को अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अचानक से उठकर बैठ जाती है और अजीब सा बिहेव करने लगती है। वो एरिक को किस करने लगती है, लेकिन अभी भी उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं होता। एरिक को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो जाने लगता है।
है। डायना कहती है कि प्लीज मत जाओ, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी, पर तुम मत जाओ। एरिक डायना की नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। डायना भी गाड़ी लेकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो एरिक के घर के बाहर उसे फोन करती है, लेकिन एरिक फोन बंद कर देता है। डायना उसके घर के फोन पर फोन करती है और एरिक के डैड फोन उठाते हैं और कहते हैं कि बहुत देर हो चुकी है, तुम कल उससे बात करना। डायना से रहा नहीं जाता और वो एरिक की खिड़की पर जाकर उसे बाहर बुलाती है और एरिक बाहर आता है तो डायना कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों साथ में रहेंगे। इतने में एरिक के डैड भी बाहर आ जाते हैं और एरिक कहता है कि यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करो, प्लीज यहाँ से चली जाओ। और फिर डायना वहाँ से चली जाती है। डायना पूरी रात गाड़ी में इधर उधर घूमती रहती है और जब वो सुबह घर पहुँचती है तो उसके फोन पर दो वॉइस मैसेजेस होते हैं। पहला मैसेज सोफिया का होता है और दूसरा मैसेज माइकल का होता है स्कूल से। माइकल कहता है कि यहाँ स्कूल में एक सिचुएशन हो गई है, एरिक के डैड यहाँ स्कूल में आए हैं और अच्छा होगा तुम जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। डायना घबरा जाती है और उसे डर लगने लगता है। वो समझ जाती है कि स्कूल वालों को सब पता चल गया है और वो रोने लगती है। रोते रोते वो अपने बेड पर गिर जाती है और यहाँ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।